हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या दीपिका कक्कड़ की प्रेगनेंसी फेक है या फिर रियल है, और क्या इनका बेबी सैरोगेसी के थ्रू आया है। एंड साथ ही आप लोगों के साथ मैं पब्लिक रिएक्शन भी शेयर करने वाली हूँ कि लोगों ने किस तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं, उनका किस तरीके का रिएक्शन रहा है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो देखने के बाद अपना नीचे राय ज़रूर दें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दीपिका कक्कड़ एंड शोएब इब्राहिम दोनों को आप लोग जानते हैं, जो कि टेलीविजन का बहुत अच्छा नाम है। सोशल मीडिया पर कभी ना कभी ऐसे समय तो ज़रूर आता है जब किसी ना किसी को ट्रोल किया जाता है, लेकिन दीपिका और शोएब के केस कुछ अलग है। दीपिका को अक्सर काफ़ी चीज़ों को लेकर ट्रोल किया जाता है, और आज से पहले भी बहुत बार ये ट्रोल हो चुकी हैं। कुछ महीने पहले दीपिका और शोएब ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी और उन पिक्चर्स को शेयर किया था। जैसे ही इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की तो लोगों ने तरह तरह के सवाल करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं था। दीपिका जब भी अपनी बेबी बम्प के साथ पिक्चर अपलोड करती तो अक्सर बहुत तरीके के लोग बातें कहते कि वो फेक है या जो बेबी बम्प है वो फेक शो कर रही हैं, और यहाँ तक कि दीपिका की प्रेगनेंसी को ही फेक बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का रिएक्शन देख लें और लोगों ने क्या कुछ कहा है वो सब आप लोग पहले देख लें। फर्स्ट यूज़र ने लिखा, फेक प्रेगनेंसी है, इसका फोर्थ मंथ से किसका बेबी बम आता है, सरोगेसी के थ्रू ला रही है, होगी बच्चा, इसीलिए इस सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए ये सब घटियापन कर रही है, सेकंड राखी सावंत है ये। सेकंड यूज़र ने लिखा, सरोगेसी के थ्रू ला रही होगी बच्चा, इसका यूट्यूब के वीडियोज़ पोस्ट में 3 मंथ से ही बेबी मूवमेंट होने लगा था। थर्ड यूज़र ने लिखा, इतना बड़ा बेबी बम्प इन 3.5 मंथ, आई थिंक यू हैव गैस इशू एंड दिस इज़ ब्लॉटिंग, इट कैन नॉट बी पॉसिबल सच अ बिग बम्प इन 3.5 मंथ्स। नेक्स्ट यूज़र ने लिखा, दीपिका प्रेग्नेंट नहीं है, सोशल मीडिया पर पैसा कमाने के लिए ये सब नाटक कर रही है, अदरवाइज प्रेग्नेंट औरत ये कभी नहीं बोलती 3rd मंथ में कि उसे बेबी मूवमेंट फील हो रहा है, ये सब फेक प्रेगनेंसी वाली औरत ही बोलती है। नेक्स्ट यूज़र ने कहा, बेबी बम्प इन 2nd ट्राइमेस्टर, कुछ तो सोचें, ये आपका फैट है नॉट बेबी बम्प। यूज़र ने लिखा, रहने दे ज़बरदस्ती की प्रेगनेंसी, हाइपोक्रेसी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों ने किस तरीके के कमेंट्स किए हैं और लोगों ने किस तरीके की बातें की हैं कि फेक प्रेगनेंसी है, सैरोगेसी के थ्रू बेबी आया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से दिस के कोई भी लेडी या कोई भी कपल ऐसा कभी नहीं करेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सोशल मीडिया पर स्क्रिप्टेड होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी को लेकर कोई भी कपल फेक नहीं हो सकता, और ना ही वो कोई भी स्क्रिप्ट बनाएंगे। फेक प्रेगनेंसी पर रिएक्शन देते हुए दीपिका ने भी अपने यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया था, जिसके अंदर वो हेटर्स को रिप्लाई कर रही थी कि उन्हें इस तरीके की बातें किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए और ये कितना गलत है।